पिछले लेसन में भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स या टिप्स डिस्कस की थी पैकेजिंग को डिज़ाइन करने के लिए, और इस लेसन में भी मैं आप लोगों को कुछ बहुत मज़े की टिप्स और टेक्निक्स जो हैं वो बताने वाला हूँ इसी हवाले से। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम आज को इस लेसन में कौन सी टेक्निक्स या टिप्स जो हैं वो देखने जा रहे हैं। अच्छा, जो पहली टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है जनाब अली, कंसिडर द एक्सपीरियंस। देखें, कोई भी जो प्रोडक्ट होती है उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है उस एक्सपीरियंस के साथ जो उसके ख़रीदने वाले को मिलता है। जो प्रोडक्ट का जो पैकेज है वो भी जुड़ा हुआ है उसी एक्सपीरियंस के साथ। मिसाल के तौर पे ये एक लग्जरी स्लीपर्स का एक ब्रांड है और जूते का ब्रांड है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा जो है वो लग्जोरियस ब्रांड है। अगर इसकी पैकेजिंग को आप देखें तो इसके अंदर दो पोर्शंस के अंदर पैक किया गया है शू को। पहली स्टेज के ऊपर जो एक वो बड़ा जो डब्बा है येलो कलर का, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपलिस्टिक और बहुत ही खूबसूरत लेआउट के अंदर डिज़ाइन किया गया है, और जब यूज़र जो है वो उस डब्बे को खोलता है तो उसके अंदर जो जूता है वो अगेन एक बड़े ही सोफिस्टिकेटेड से रैपर कह लें या कपड़े का एक रैपर बना हुआ है, जो रैग रैपर्स होते हैं उसके अंदर ये जो जूता है वो उसको मिलता है, और फिर जब वो उस कपड़े के रैपर को खोलता है तो फिर उसमें से जो है वो जूता निकलता है। अच्छा, अब ये जो पूरा प्रोसेस है कि वो पहले डब्बा खोला और उसके अंदर से फिर वो रैपर निकला और फिर रैपर में से शू निकला, ये जो प्रोसेस है ये एक ख़ास किस्म का एक्सपीरियंस दे रहा है यूज़र को या कंज्यूमर को जिसने वो जूता जो है वो परचेज किया है। जितने भी ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलें जिनकी प्रोडक्ट्स थोड़ी सी कदरे जो है वो महंगी हों और जो आपको जिनके बारे में आपको पता हो कि ये थोड़ी सी लग्जोरियस आइटम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेके आप इस तरह की जो पैकेजिंग है वो बड़े आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं और वो एक बड़ी मज़े की फील देगी पैकेजिंग के हवाले से। अच्छा, इसी तरह से एक और टिप ये है कि सिंपली बी प्लेफुल। जो भी पैकेजिंग आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसको डिज़ाइन करते हुए थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करें और ज़रा फन एलिमेंट और जॉय एलिमेंट जो है वो उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे ये देखते हैं, ये ट्राइड एंड ट्रू डिज़ाइन, एक डिज़ाइन स्टूडियो है जिसका ये डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसको देखते हैं, इसमें ये बेसिकली रसबरी जो है वो उसका एक ब्रांड है और उसके हवाले से ये पैकेजिंग डिज़ाइन की गई है। अगर आप गौर करें तो बहुत ही प्लेफुल किस्म का डिज़ाइन है। इसमें सेंटर में एक कार्टून करेक्टर सा बनाया गया है, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी जॉली सी और फन क्रिएटिंग किस्म की ये एक इलस्ट्रेशन है। इस इलस्ट्रेशन को अगर आप गौर से देखें तो वो जो रसबरी अंदर मौजूद है उस पैकेट के या उस पैकेज के, वो जो करेक्टर ऊपर दिखाया गया उसके दांत दिखाए गए हैं और वो लग रहा है देखने से कि ये करेक्टर जो है ये बाइट ले रहा है उस रसबरी की। तो अब ये भी एक डिफरेंट अप्रोच है, एक डिफरेंट टेक्निक है अपनी पैकेजिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। प्लस इसके अलावा जो प्रोडक्ट है, जो रसबरी है, जो फ्रूट है, वो रिवील भी हो रहा है और वो दिख भी रहा है, और उसके अलावा वो जो करैक्टर वाला मैंने आपको बताया कि वो करैक्टर उसमें बड़ा फन एलिमेंट जो है वो प्लेफुल एलिमेंट ऐड कर रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी छोटा सा क्रिएटिव सा आइडिया क्रिएट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके। और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पैकेजिंग का बहुत गहरा ताल्लुक फूड इंडस्ट्री से है, फूड के जितने भी ब्रांड्स हैं वो आम तौर पे पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। तो आपके जो फूड के क्लाइंट्स होंगे वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो उनके प्रोडक्ट के हवाले से लेके आएँ और उनके हवाले से आप जो है वो डिज़ाइंस क्रिएट करें। अच्छा जी, एक और टिप आपको देता चलूँ, एक और टेक्निक आपसे डिस्कस करता चलूँ, बी इनोवेटिव विद द मटेरियल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मटेरियल जो है इसकी पैकेजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती है। आप डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में सोच सकते हैं किसी भी चीज़ के पैकेज को डिज़ाइन करते हुए। ये कैनेडियन फ्रेंच डिज़ाइनर का एक डिज़ाइन है और ये आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये जो पैकेज है ये हनी यानी कि शहद के लिए डिज़ाइन किया गया, और देखने से ही ये एक ऐसी फील देता है कि इसके अंदर शायद जो है वो कोई हनी जैसी या शहद जैसी चीज़ जो है वो होगी। अच्छा, इसके अलावा जो इस डिज़ाइन एग्जांपल की जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी जो एक बहुत ही अहम बात है
वो मटेरियल है जिस मटेरियल में इसको डिज़ाइन किया गया और सोचा गया। ये एक्चुअली क्या है जी, ये आप लोगों को बड़ी हैरत होगी ये देख के कि ये एक्चुअली जो शहद की मक्खी के छत्ते में जो वैक्स मिलती है उस वैक्स से ये बेसिकली जो पैकेज है ये डिज़ाइन किया गया और सोचा गया। और जो ये पैकेज है शहद जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद इसको अगर आप उल्टाएं तो ये कैंडल की सूरत अख्तियार कर जाता है, क्योंकि ये वैक्स से बनाया गया है तो ये जो है वो आपके लिए मोमबत्ती का यानी कि कैंडल का काम भी दे सकता है जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल कर लेने के बाद। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ही मज़े मज़े की टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप लोग जो पैकेजेस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग से डिज़ाइन कर सकते हैं और आप उनके मटेरियल्स के हवाले से भी सोच सकते हैं, डिफरेंट आप प्लेफुल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों पे ध्यान देना है, इन पे मज़ीद ख़ुद से रिसर्च करनी है और इस तरह के नए नए तरीके जो हैं वो आप लोगों ने सीखने हैं और इनके अकॉर्डिंगली आपने पैकेजिंग डिज़ाइन करनी है। नेक्स्ट लेसन में आप लोगों के लिए कुछ और टिप्स और टेक्निक्स इसी हवाले से लेके आऊँगा।